सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। अपने आज से जीना सीखो क्योंकि कल ना आना है और ना ही आएगा। आपने कभी सोचा है रिश्तों का असली मतलब क्या होता है? मेरी राय में जो रिश्ते किसी मतलब के लिए बनाए जाते हों वो रिश्ते नहीं हैं। जिंदगी में हर रोज वो चेहरा मुस्कुराता मिले जिस चेहरे को आप रोज आईने में देखते हैं। हमारी हर एक सोच हमारे आने वाले कल का निर्माण करती है, इसीलिए अच्छा सोचें। आज का पंचांग 8 फरवरी 2023 दिन बुधवार, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की तृतीय तिथि सुबह 6:23 तक रहेगी। इसके उपरांत चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। पूर्व फाल्गुनी नामक नक्षत्र रात्रि 8:14 तक रहेगी। इसके उपरांत उत्तर फाल्गुनी नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 12:33 से 1:56 तक रहेगा। आज कोई भी अभिजीत मुहूर्त नहीं है। आज चंद्रमा सिंह राशि पर रात्रि 2:49 तक रहेगी। इसके उपरांत कन्या राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मकर राशि पर रहेंगे। कन्या राशि 8 फरवरी 2023 दिन बुधवार, आपको आज खुद का ही चिंतन करना है। आपके जीवन में इस समय सब कुछ सही चल रहा है, फिर भी आपको एक प्रकार की बेचैनी महसूस हो रही है जिसे आप व्यक्त नहीं कर पा रहे। इसका एकमात्र समाधान यह है कि आप खुद के बारे में शांत दिमाग से सोचें, जिससे आपको अपनी स्थितियों को बेहतर तरीके से देखने में मदद मिलेगी और आप सही समाधान खोज पाएंगे अगर आप धन को लेकर चिंतित हैं तो आप भाग्यशाली हैं। आय का कोई नया स्रोत आपकी प्रतीक्षा कर रहा है जिससे आपको कर्ज से मुक्ति मिलेगी। क्लब और पार्टी में अपने दोस्तों के साथ समय बिताएं। किसी रिश्तेदार शायद बड़े भाई के साथ हुए विवाद को हल करने की जरूरत है। अपने प्रियजनों के लिए प्रेम और करुणा दोनों सुंदर अभिव्यक्तियाँ हैं। अपने विद्यार्थियों को भी व्यक्त करें। बस ध्यान रखें कि किसी को भी ठेस ना पहुँचे। आज गाड़ी ध्यान से चलाएं और हो सके तो सार्वजनिक परिवहन का प्रयोग करें। सपने देखें और कड़ी मेहनत करें, आज नहीं तो कल सफलता आपको मिलकर ही रहेगी। अपने शारीरिक चुस्ती फुर्ती को बनाए रखने के लिए आप आज के दिन खेलने में व्यतीत कर सकते हैं। जमीन या किसी प्रॉपर्टी में निवेश करना आज आपके लिए घातक हो सकता है। जितना हो सके इन चीजों में निवेश करने से बचें। आपको चिंता मुक्त होकर अपने करीबी दोस्तों और परिवार के बीच खुशी के लम्हे तलाशने की जरूरत है। अपने प्रिय के साथ सैर सपाटे पर जाते समय जिंदगी को पूरी शिद्दत से जिए। पैसे बनाने के उन नए विचारों का उपयोग करें जो आज आपके जेहन में आएगा। बिना किसी को बताए आज आप अकेले वक्त बिताने घर से बाहर जा सकती हैं, लेकिन आप अकेले तो होंगे लेकिन शांत नहीं। आपके दिल में आज के दिन कई चिंताएं हैं। आज आपके जीवन में कुछ यादगार शामों में से एक आज अपने जीवन साथी के साथ बिता सकती हैं। आर्थिक योजनाओं को फलीभूत करने का उचित समय है। समय रहते बिगड़े हुए संबंधों को सुधार लें। यह संबंध आपके लिए फायदेमंद होने वाले हैं। फोन या ईमेल द्वारा आज कोई महत्वपूर्ण सूचना मिलेगी जो कि बहुत ही लाभदायक साबित होगी। स्पष्ट रूप से बोलते समय दूसरों की भावनाओं का ध्यान रखें। परिवार की जिम्मेदारियां ठीक से समझकर निभाना आपके लिए आवश्यक है। केवल अपने काम को महत्व देंगे और लोगों को नजरअंदाज करने से आपसे विवाद हो सकता है। कोई गलतफहमी भी बढ़ सकती है। काम की जगह मिली प्रगति की वजह से अपेक्षा के अनुसार बढ़ोतरी मिलेगी। पुराने रिलेशनशिप को भूल कर आगे बढ़ें। गले की खराश और खांसी की तकलीफ भी बढ़ेगी। आज किसी प्रियजन की मदद से आपका अटका हुआ काम बन सकता है। धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों में भी आपकी रुचि बढ़ेगी। घर में मेहमानों का आना जाना लगा रहेगा और रिश्तों में नजदीकियां बढ़ेगी। किसी बाहरी व्यक्ति से लड़ाई झगड़ा हो सकता है। अति करने की बजाय अपने कामों पर ध्यान दें। अपनी योजना किसी के सामने प्रकट न करें। नया काम शुरू करने के लिए स्थितियां बहुत अनुकूल है। सावधानियां, किसी पर भी विश्वास करने से पहले उसके सभी पहलुओं पर सोच विचार अवश्य करें।
अन्यथा भावनाओं में आकर आप अपना नुकसान भी कर सकती हैं। व्यर्थ के खर्चों की भी अधिकता रहेगी, जिसकी वजह से मन परेशान रहेगा। बात करते हैं लव लाइफ की। पति पत्नी के भावनात्मक तथा विश्वासपूर्ण रिश्ता और अधिक गहरा होगा। प्रेम संबंध में एक दूसरे के प्रति विश्वास रखना भी जरूरी है। आपको अपने रिश्ते में ऐसा आभास हो रहा है कि सब कुछ सही है और ये रिश्ता काफी मजबूत रहेगा और आगे तक जाएगा। ये रिश्ता शादी में भी बदल सकता है, लेकिन क्रियान्वयन से पहले थोड़ा शांत दिमाग से सोचें और तब आगे बढ़ें। जो आप सोच रहे हैं वो सही होगा या आपको कुछ ऐसा मिलेगा जिसके आप अभी तक अनदेखी कर रहे थे। आपका भाग्य हमेशा आपका साथ देता है और यही कारण है कि सफलता आपके पैर चूम रही है। अपने भविष्य की योजनाएं पहले से ही बना लेने से आप अपने साथी को और भी चाहने लगेंगे। प्यार की ज्वाला को भड़काने के लिए साथी से छेड़खानी करना ना भूलें। आज के दिन अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का है। अपने दिल के सबसे करीबी से अपने प्यार को जताने और उनके प्यार को महसूस करने के लिए भी आज के दिन उपयुक्त है। उन्हें यह अवश्य बताएं कि आपके जीवन में उनका क्या महत्व है। अपने पार्टनर पर हमेशा विश्वास करें और उनका सम्मान करें। बात करते हैं करियर की। आप खुशमिजाज व्यक्ति हैं, जो अपनी बातचीत और व्यक्तित्व से किसी को भी प्रभावित कर दे। अपने कॉन्ट्रैक्ट और नेटवर्किंग का फायदा उठाकर आप अपनी व्यवसाय में सफलता और लाभ प्राप्त कर सकते हैं। विदेशी व्यापार और नई सहायता आपकी कंपनी को नए अवसर प्रदान करेगी। प्यार और स्नेह ऐसी चीजें हैं जिनसे आप किसी का भी दिल जीत सकते हैं। अपने साथी को यह बताना न भूले कि आप उनके बारे में क्या सोचते हैं। अपनी भावनाओं को व्यक्त करें, लेकिन ध्यान रखें कि किसी को ठेस न पहुंचे। यह समय परिवार को समर्पित है, न कि दोस्तों को, इसलिए इसका पूरा आनंद लें। आज सफलता पूर्वक अपनी रचनात्मक कार्य को खत्म करने में सक्षम होंगे। इस जश्न को बनाने के लिए आप एक पार्टी की मेजबानी की योजना भी बना सकते हैं। और जिन्होंने भी इस यात्रा में आपका समर्थन किया एवं अपने विरोधियों को भी समारोह में आमंत्रित करें। अपनी कमाई और खर्च के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए भी प्रयास करते रहें। आज आय की स्थिति कुछ सभ्य रह सकती है। बिजनेस के काम पूरे करने में आलस और लापरवाही ना करें। किसी संपर्क सूत्र द्वारा उचित ऑर्डर मिल सकता है। सरकारी सेवारत लोग अतिरिक्त कार्यभार की वजह से तनाव में रहेंगे। बात करते हैं सेहत की। मन में नकारात्मकता हावी रहेगी। मेडिटेशन और योग पर कुछ समय अवश्य लगाएं तथा पॉजिटिव रहें। आपकी सेहत बहुत अच्छी है, लेकिन आपको इसी सेहतमंद अवस्था का मजा लेते रहने के लिए कुछ आधारभूत सावधानियां तो रखनी ही होगी। समय पर कदम उठा लेने से आप बीमारियों से बचे रह सकती हैं। अब अपने स्वास्थ्य कार्यक्रम को गंभीरता से लेने का समय है और उन सब अच्छे व्यायामों को शुरू करने का भी जिनके बारे में आप हमेशा से सोचते रहे हैं, लेकिन कभी उन्हें पूरे करने का उत्साह नहीं जुटा पाए हैं। आज का उपाय, आज अब गणेश भगवान जी को दूर्वा चढ़ाएं, शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।